हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये मैट्रेस बनाएंगे। ये देखिए, हमने बहुत ही ब्यूटीफुल सी मैट्रेस बनाई है। ये विंटर के लिए हमने बनाई है। ये देखिए, ये बैक से भी काफ़ी अच्छी है और ये फ्रंट से ऐसी है। दोनों साइड से आपको काफ़ी अच्छी फिनिशिंग मिलेगी। इसे यूज़ करना भी बहुत ईजी है। ये देखिए, ये यहाँ से ऐसे ओपन हो जाएगी, यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। ये है इसका पूरा, ये देखिए लुक। इसमें आप 4 से 5 नंबर तक के गोपाल जी को इजीली सुला सकते हैं। आपको देखिए कैसे सुलाना होगा। यहाँ बीच में ऐसे गोपाल जी को सुला दें, फिर इस साइड से ऐसे करके इस वाले को बंद कर लेना है। और इधर से ऐसे करके इसे हम बंद कर लेंगे। और लास्ट में हम यहाँ से इसे ऐसे बंद कर लेंगे। हमने यहाँ पे चेन का यूज़ नहीं किया है, हमने यहाँ पे वेलक्रो का यूज़ किया है, जिससे ये आप लोग के लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। और इसमें हमने ज़्यादा मटेरियल का भी यूज़ नहीं किया है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह का मैट्रेस परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके इस तरह की मैट्रेस परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी मैट्रेस। सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रेस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ये देखिए टेडी प्रिंट में ये फैब्रिक लिया है, ये हमने कॉटन का फैब्रिक लिया है। फिर हम यूज़ करेंगे वेलक्रो और उसके बाद हम ये फाइबर लेंगे। आप इसकी जगह पे रुई भी ले सकते हैं। ये टेडी बियर में पड़ती है और ये ज़्यादा अच्छी होती है, तो अगर आप ये यूज़ करते हैं तो ये बेस्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए, हमने यहाँ पे फैब्रिक कट कर लिया है। इसकी लंबाई हमने 16 इंच और इसकी चौड़ाई हमने 12.5 इंच रखी है। सेम साइज का हमने यहाँ पे एक पीस और कट किया है। हमें देखिए 2 पीस चाहिए, ये हमारा सेम साइज का 2 पीस हो गया। इसमें भी हमने 2 पीसेस कट किए हैं। ये देखिए, इसकी लंबाई चौड़ाई मैं आपको बता दूँ, इसकी लंबाई हमने 11 इंच और चौड़ाई हमने 8 इंच रखी है। तो ये 11 इंच लंबाई और चौड़ाई 8 इंच के हमारे पास 2 पीसेस हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें स्टिच करते हैं। हमें देखिए कैसे स्टिच करना है। अब देखिए, हमने यहाँ पर अपना एक बड़ा वाला पीस ले लिया है और इसके बाद एक हम छोटा वाला पीस भी ले लेंगे। ये देखिए, ये हमने छोटा वाला पीस ले लिया। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये हमारी लंबाई वाली साइड है और ये चौड़ाई वाली साइड है। तो हम इसे लंबाई वाली साइड से रख रहे हैं और इसे भी हम लंबाई वाली साइड से रखेंगे। ये देखिए, ऐसे करके हमें क्या करना है, इसे ऐसे बी से फोल्ड करना है एकदम। हम देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे और इसे भी हम ऐसे ही बी से फोल्ड कर लेंगे। ये हमने फोल्ड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अपने छोटे वाले पीस को ऐसे करके मेज़र करेंगे और यहाँ पे हम मार्क लगा देंगे। ये हमने मार्क लगा दिया। अब हम इसे ऐसे ओपन करेंगे और ये देखिए, ये जहाँ हमने मार्क लगाया है वहीं से हम ऐसे पकड़ेंगे और ये देखिए, यहाँ से 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये ऐसे करके आ जाएगा इसके ऊपर, यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसे स्टिच कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे स्टिच कर लिया है। सेम तरीके से हमने दूसरे वाले फैब्रिक को भी स्टिच कर लिया है। ये देखिए, ये हमने दोनों पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब इसमें से एक पीस को हम ऐसे ओपन करेंगे और इसे हम फिर से ऐसे करके फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये हमने ऐसे करके फोल्ड किया। अब हमें क्या करना है, इसे हमें यहाँ से ऐसे करके मेज़र करना है। देखिए हम कैसे नापेंगे। हमने अपने छोटे वाले फैब्रिक की लंबाई 11 इंच ली थी, तो ये जहाँ हमने सिलाई लगाई है यहाँ पे, यहाँ से लेके हमें 11 इंच पे मार्क लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे ये 2 इंच आ रहा है, ये हम 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ रहे हैं सिलाई के लिए। और 2 इंच के बाद यहाँ पे हमें चाहिए 9 इंच, तो हम यहाँ से 9 इंच का मार्क लगा दे रहे हैं। इसमें हमने देखिए 0.25 इंच का मार्जिन इधर से भी छोड़ रखा है, ये देखिए सिलाई के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक हमें इसे कट करना है। यहाँ से हम ऊपर
हाफ हाफ इंच कट कर देंगे। ये ऐसे करके यहाँ से कट हो जाएगा, तो चलिए इसे कट कर देते हैं। ये देखिए ये अब इस शेप में हो गया है, दोनों साइड से हमने कट कर दिया। सेम ऐसे ही हम अपने दूसरे वाले फैब्रिक को भी कट कर देंगे, तो चलिए इसे भी कट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। हमने यहाँ पे दोनों पीसेस को कट कर दिया। अब हमने एक पीस को ऐसे, ये देखिए, सीधी साइड से रखा है। अब दूसरे को इसके ऊपर हम ऐसे उल्टी साइड से रखेंगे, ऐसे बराबर करते हुए रखना है। ये देखिए अब हमें क्या करना है, ये देखिए इतनी दूर हम छोड़ देंगे यहाँ से और यहाँ तक, इतनी दूर हमें सिलाई नहीं लगानी है। बाकी यहाँ से ये हम ऐसे करके आएंगे और जिस शेप में हमने कट किया है इसे, उसी शेप में हम एकदम सिलाई लगा देंगे। और ये देखिए कि हमारा जो छोटा वाला पीस जॉइंट हुआ है, इस पर भी हम डायरेक्ट सिलाई लगाते हुए चलेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है और 0.25 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने इतनी दूर छोड़ दी, बाकी सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, जिससे हम इसे आसानी से पलट सकें। ये जहाँ जहाँ से राउंड हुआ है वहाँ वहाँ से हम लगा देंगे। हमें ये कट सिलाई के बाहर ही लगाने हैं, सिलाई के अंदर नहीं जाना है हमें। अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए हमने इसे पलट लिया और पलटने के बाद एक बार हमने अच्छे से प्रेस लगा दिया है, जिससे हमारी सारी सिलाई अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए जो हमने कटिंग की थी वो वाला हिस्सा है हमारा, यहाँ से ये खुला है। यहाँ पे भी हमने ये देखिए फोल्ड करके प्रेस लगा दिया है, जिससे हमें सिलाई लगाने में इजी हो। तो चलिए अब हम इसमें फाइबर डालते हैं। ये देखिए हमने यहाँ इसके अंदर फाइबर डाल दिया अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे फाइबर को अंदर करेंगे और यहाँ इसे ऐसे टाइट करके एक बार सिलाई लगा देंगे, जिससे ये इधर से भी लॉक हो जाए। तो चलिए पहले सिलाई लगाते हैं, फिर दिखाएंगे कि आपको इसके ऊपर कहाँ से कहाँ तक सिलाई लगानी है। ये देखिए इधर से हमने सिलाई लगा के इसे लॉक कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम बीच में ऐसे करके यहाँ से यहाँ सिलाई लगाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से यहाँ। ये अपने छोटे वाले पीस से पहले सिलाई लगाते हैं, तो चलिए यहाँ सिलाई लगाते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद इस पर बताएंगे कि कैसे सिलाई लगानी है। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, ये हमारी बहुत ही फिनिशिंग से आई है। ये देखिए बैक से भी ऐसी है और फ्रंट से भी ऐसी है, दोनों साइड से एक जैसी है। अब बचा हमारा ये बड़ा वाला हिस्सा, तो हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो यहाँ देखिए हम कैसे सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पे भी सिलाई लगाने के लिए हमने इस पिन का यूज़ किया है, आप चाहें तो चौक से मार्क लगा लें, बट ये पिन यूज़ करना बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो हमें ये देखिए बीच से रुई को ऐसे हटा देना होता है, हल्का सा हाथ से अपने प्रेस करके, क्योंकि हमारा साइड खाली नहीं होना चाहिए, ये जो हमारा कोना है ये सब खाली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा प्रेस कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें कैसे सिलाई लगानी है। यहाँ से ऐसे ये और ये, यहाँ से आएंगे यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो चलिए पिन कर लेते हैं। ये देखिए ऐसे करके पिन कर देना है और इसके बाद सिलाई लगाना बहुत ही ईजी होता है। अगर आप मशीन से सिलाई नहीं लगा पाते हैं तो आप सुई धागे की हेल्प से हाथ से भी सिलाई लगा लें। इसके पहले मैंने जो मैट्रेस बनाई थी उसमें सुई धागे की हेल्प से ही सिलाई लगाना बताया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लें। ये देखिए ये हमने पिन लगा दिया, अब ये एक अच्छा खासा मार्क लग गया है, हम यहाँ पे इजीली सिलाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई हम यहाँ से लगाएंगे, ऐसे एकदम सीधा यहाँ से यहाँ तक। तो चलिए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी, ये बीच में से सिलाई लगाने के बाद एक बार हमने यहाँ पे ऐसे करके सिलाई लगा दी। अब ये हमारा स्टिचिंग कम्प्लीट हो गई है इसकी। अब यहाँ पर हम वेलक्रो लगाएंगे, तो ये देखिए ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये ऐसे करके आएगा इसके ऊपर और यहाँ से ये ऐसे लॉक होगा दोनों साइड से, ये वाली साइड भी आ जाएगी इधर ऐसे करके। तो चलिए देखते हैं कि हमें वेलक्रो कैसे लगानी है इसके ऊपर। ये हमने वेलक्रो ली है, इसे हम
यहाँ से यहाँ तक ऐसे मेज़र करके कट कर लेंगे। इतना लंबा हमने कट कर दिया, ये इसका साइड वाला निकाल देते हैं। इसके साइड्स कट करने के बाद हमने इसे बीच से कट करके दो पीसेस में कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे चेन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने चेन यूज़ करना इसलिए नहीं बताया है क्योंकि वेलक्रो यूज़ करना बहुत इजी है। चेन यूज़ करने में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे वेलक्रो यूज़ की है जिससे आप लोग को भी ईजी हो। हम क्या करेंगे, इस वेलक्रो को ये देखिए ऐसे करके खोलेंगे। ये देखिए इसको हम यहाँ पे ऐसे करके स्टिच कर लेंगे और इसका दूसरा वाला पार्ट जो है उसे हम इस साइड ऐसे पीछे की साइड लगाएंगे। यहाँ पे आएगा, ये उल्टी साइड समझ लें आप, ये यहाँ ऐसे करके आएगा। एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा और दूसरा हमारा यहाँ नीचे से आ जाएगा। सेम तरीके से हम इस साइड भी लगाएंगे। तो चलिए दोनों साइड हम इसे स्टिच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से वेलक्रो लगा दी है और ये अगर हम उल्टा करें तो यहाँ से वेलक्रो लगा दी है। ये अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ से ये सीधा फिर यहाँ यहाँ तक हमें वेलक्रो लगानी है। हम जो कट करेंगे वो हमारा लंबा ही आएगा, इसे हमें पूरा यहाँ तक लेके आना है और इस साइड भी हमें इसे पूरा यहाँ तक लेके आना है। हम क्या करेंगे, अब ये देखिए ऐसे सीधा करना है, ये हमारा यहाँ से आएगा ऐसे और यहाँ से हम बंद करना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए ऐसे करके ये बंद हो जाएगा इधर से, बहुत इजी है। ये देखिए ये हमारा बन गया है। अब बचा है हमारा इधर वाला हिस्सा, तो इसे भी हमें ऐसे करके यहाँ पे वेलक्रो लगानी है। ये देखिए पूरा ये ऐसे आएगा इसका सेप, बट अगर हम यहाँ पे अभी वेलक्रो लगा देंगे तो ये देखिए यहाँ पे स्पेस बहुत कम आ रही है, यहाँ पे कान्हा जी को दिक्कत ना हो, इसलिए हम यहाँ पे एक सिलाई और लगाएंगे। ये देखिए हमें कैसे सिलाई लगानी है, हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इतना दूर हम सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पे और स्पेस हो जाएगी। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे वेलक्रो कैसे लगानी है वो बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने डबल सिलाई लगा दी। अब हमने यहाँ पे वेलक्रो कट करके ली है, अगर हम इसे यहाँ से ऐसे डबल करते हैं तो ये देखिए हमने थोड़ी सी लंबी ही वेलक्रो कट की है। अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम बाद में निकाल देंगे, बट हमारा कम नहीं पड़ना चाहिए। अब हम इसे ओपन करेंगे और इसकी एक साइड को हम यहाँ सेंटर से रख के इधर सिल लेंगे और दूसरी साइड भी हम सेंटर से ही रख के इधर सिलेंगे। हमें सेंटर से ही सिलाई स्टार्ट करनी है जिससे हमारा जो एक्स्ट्रा बचे हम यहाँ से कट करके निकाल दें। तो चलिए हम इसे यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखिए हम किस साइड स्टिच कर रहे हैं, जिस साइड हमने ये वेलक्रो लगाया है उस साइड हम इसे लगा रहे हैं। ये देखिए हमने यहाँ से वेलक्रो लगा ली, अब ये हमारा कम्प्लीट हो गया है। आप ये देखें इस साइड है वेलक्रो और इस साइड है, बस एक हमने ये वाली पीछे से लगाई है। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ हमें गोपाल जी को सुलाना है, गोपाल जी का सर यहाँ आएगा, उनकी पूरी बॉडी यहाँ पे आएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे और ये वेलक्रो से हम चिपका देंगे। ये हमने चिपका दिया, आप चाहें तो इसे चिपका लें, उसके बाद यहाँ से आसानी से गोपाल जी को सुला सकते हैं। ये बहुत ही कंफर्टेबल है और एकदम ही सॉफ्ट है क्योंकि हमने यहाँ पे फाइबर यूज़ की है। और जब हम यहाँ से सुला लें तो गोपाल जी का सर यहाँ आएगा, उसके बाद हम इसे इधर से बंद कर दें। ये देखिए ये हमारा ब्यूटीफुल सा मैट्रेस बन के तैयार है। फिनिशिंग आपको दोनों साइड मिलेगी, इधर भी और इधर भी। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।